पूर्व जिला महासचिव हाजी मोहम्मद अकमल उर्फ जुगनू की पत्नी नाजरीन बेगम ने किया अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल। निर्दल प्रत्याशी के रूप में नाजरीन बेगम ने किया नामांकन पत्र दाखिल। विपक्षियों के मंसूबे होंगे फेल, नाजरीन बेगम। जनता ने दिया आशीर्वाद तो सेवा करने का मिलेगा मौका, नाजरीन बेगम। प्रत्याशी के पूर्व पति जिला महासचिव ने पूर्व मंत्री राम अचल राजभर पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्व महासचिव ने कहा कि राम अचल राजभर किसी मुस्लिम नेता को नहीं देखना करते हैं पसंद। राम अचल राजभर ने हमारा दो बार टिकट काटने का किया है काम। राम अचल राजभर के सपने को साकार नहीं होने देगी सम्मानित जनता। जिला संवाददाता मोहम्मद अशफाक मंसूरी, अम्बेडकर नगर। क्या वजह है कि आपको आज पत्र दाखिल करना पड़ा? सपा से तो हमारा 5 सालों से जो है टिकट क्लियर था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी था कि चुनाव आप ही लड़ोगे, लेकिन किसी कारण जब समय आया तो हमारे यहाँ से आदरणीय राम अचल राजभर जी विधायक हैं, इसलिए इन्होंने नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए टिकट के लिए इशू बना लिया। और इतना इशू बना लिया कि इनको टिकट कहीं न कहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मजबूर होकर दे ही दी। और लेकिन उन्होंने टिकट जरूर दिया है, आशीर्वाद उनका हमारे साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। इन्होंने जो है प्रतिष्ठा लगा दी टिकट के लिए। जो नेता कई कई प्रदेशों का मालिक हो, जो नेता कई बार का विधायक हो, आज वो समाज सेवा करने वाले का हाजी मोहम्मद अकमल जुगनू कई सालों से जनता के बीच रहते हैं, समाज सेवा करते हैं, और आज उनके लिए जब राम अचल राजभर जी वहाँ पहुँचे तो मेरे टिकट को इतना दबाव बनाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको कहीं न कहीं से टिकट दे ही दिया। क्या मानते हैं कि इसके पीछे राम अचल का पूरा हाथ है? पूरा राम अचल का हाथ है, पूरा राम अचल का हाथ है। इसलिए राम अचल का हाथ है कि जब 2017 में हम चुनाव लड़ रहे थे तब राम अचल बहुजन समाज पार्टी में थे, हम भी थे बहुजन समाज पार्टी में। 25 साल हम लोगों ने मेहनत किया और कहीं कहीं हम लोगों को वो पूरी मेहनत उनको दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि कहीं ये मुस्लिम समाज का बेटा अगर चेयरमैन हो गया तो हमारे बगल इसकी कुर्सी लगेगी, आने वाले समय में विधायकी में भी डिस्टर्ब होंगे। इसलिए वो हमको तेज तर्रार और ईमानदार आदमी को कहीं से नकार रहे थे, और आज उन्होंने बसपा में भी किया और जब से सपा में वो आए आज वो करके उन्होंने दिखा दिया। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं से वो हमें पसंद नहीं करते। एक बड़ा वोट बैंक आपके साथ था, इस समय आपने निर्दल प्रत्याशी तौर पर नामांकन किया, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ही वोट कटेगा? समाजवादी पार्टी का कोई जो हमारा वोट था उसका 2 गुना वोट हमें मिलेगा, पूरा भरोसा है। और समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने बहुत अध्यक्ष से लेकर के विधानसभा तक पार्टी तक सब कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, पूरे ओरिजिनल समाजवादी हमारे साथ है। और मैं टिकट लेके जो प्रत्याशी आया है वो कभी समाजवादी पार्टी में बैठ करके एक मीटिंग में नहीं ज्वाइन किए, एक कार्यक्रम को नहीं ज्वाइन किए, कभी उनकी मीटिंग के रजिस्टर में साइन नहीं है। कोई बता दे तो मैं उनको जो है मैं कह दूंगा कि हाँ वो सही समाजवादी पार्टी से आपने इस्तीफा दे दिया है? नहीं ना, मैं समाजवादी में रहूंगा। तो आप पार्टी में विद्रोह करके चुनाव लड़ रहे हैं? विद्रोह नहीं किया मैंने विद्रोह नहीं किया, मैं तो नेता तैयार हूँ। ये जनता ने मुझे टिकट दिया है, जनता का सहयोग है, समाजवादी पार्टी के लोगों का सहयोग है। क्या क्या पद आपके पास समाजवादी पार्टी में? मुझे